तो जो षड्यंत्र चल रहा है वो असल में मैकॉलेवाद का षड्यंत्र है। एडम रिपोर्ट है उनकी बंगाल प्रांत की, नेट पर फ्री में मिल जाएगी, देख लीजिए। उस विशाल बंगाल प्रांत जिसमें बिहार भी था, 1 लाख गुरुकुल थे, लड़कों में 100% लिटरेसी थी। उस आप लिखा मैकॉले ने वो सर्वे कराया था, मैकॉले के सर्वे में ये लिखा हुआ है कि लड़कियों में लिटरेसी की संख्या ठीक ठीक ज्ञात नहीं हो सकी है, लड़कों में 100% लिटरेसी थी। और दिनाजपुर रंगपुर जो आज बांग्लादेश में है, वहां के मुस्लिम बहुल इलाकों में भी 90% शिक्षक ब्राह्मण है, 10% कायस्थ है, मौलवी केवल नमाज पढ़ाना सिखाते हैं, शिक्षा नहीं देते हैं। ये मैकॉले की रिपोर्ट में है कि मुसलमानों को भी ब्राह्मण पढ़ाते थे, और 100% साक्षरता मुसलमानों में भी थी ब्राह्मणों के कारण से। इसलिए उन सारे गुरुकुलों को बंबई मद्रास सारी प्रेसिडेंसियों में अलग अलग सर्वेक्षण हुआ था। मैंने केवल बंगाल का सर्वेक्षण पढ़ा है, लेकिन बाकी सबका भी लगभग वैसा ही रिपोर्ट था, ये मुझे पता है, उनका सारांश मैंने पढ़ा था। 25 वर्ष तक सारे गुरुकुलों को बंद कराकर एक पीढ़ी में इस पूरे देश को मूर्ख बना दिया, जहां 100% लिटरेसी हो उसे हम गुलाम कैसे बनाएंगे, पहले पूरा मूर्ख बनाओ। यहां तो ब्रिटेन से भी अधिक साक्षरता है, तो संजोग से हम जीत गए हैं, सत्ता हो गई है, लेकिन उसे परमानेंट कैसे बनाएंगे, ये आप सब जानते हैं, ये सब बात आप लोग पढ़ चुके हैं। लेकिन उस रिपोर्ट को प्रकाश में लाइए, उसका अनुवाद करके प्रचारित कीजिए, बहुतों को नहीं पता है कि उस रिपोर्ट में क्या लिखा है। अब वो आ चुका है, नेट पर उपलब्ध है, उसका हिंदी अनुवाद करके प्रकाशित कीजिए, लोगों को बताइए। ये लोग झूठ कहते हैं कि ब्राह्मण पढ़ने नहीं देते थे, वो तो मुसलमानों को भी पढ़ाते थे, सबको पढ़ाते थे, जो हमारे मंदिर तोड़ते थे हम उनको भी पढ़ाते थे। और तब हमें कहते हैं कि ये लोग आतंकवादी हैं, भगवावादी हैं, फल्लावादी हैं। अरे सच्चे कम्युनिस्ट तो हम लोग हैं, वसुधैव कुटुंबकम, पूरी वसुधा को एक मानने वाले हैं। साम्यवाद का दर्शन क्या है, गायत्री मंत्र क्या है, उसने कहा है कि महिला को और शूद्र को बुद्धि मत दीजिए, हे भगवान सबको बुद्धि दीजिए, मुझे दीजिए, ये नहीं है गायत्री में यो नह माने हम लोग, हम लोगों को बुद्धि दीजिए। तो जो सबको बुद्धि देने का मंत्र है, कहते महिलाएं नहीं पढ़ सकती हैं, भाई महिलाएं तो ऋषिकाएं थी। आज बहुत से ऐसे ब्राह्मण हैं जो यज्ञ में गोमांस का समर्थन करते हैं, कहते समुद्र यात्रा मत करो, तो हनुमान जी और सुग्रीव के सारे दूत जितने गए थे वो सबको तब सनातन धर्म से बहिष्कृत कर दो, तो वाल्मीकि जी ने क्यों समुद्र यात्रा कराई। तो हमें बहुत ये संशोधन करना है, हमारे पुराणों में गलत बातें जोड़ी गई हैं। ये वामपंथी षड्यंत्र है, वाममार्गी आज से नहीं हो रहा है। तो हम उनको जो हथियार दे रहे हैं कम्युनिस्टों को या मैकॉले के जेलों को, वो तो हमने ही वो हथियार दिया है अपने पुराणों में गंदी बातें जोड़कर। इस इंद्र को क्रिया में कहा गया इंद्र से, इंद्र भीतर जो साक्षी भाव से देखने वाला दृष्टा है उसी को इंद्र कहते हैं, उसे पुराणों में एक लंपट देवता बना दिया। उपस्थित अंश वेद से मेल नहीं खाता है। ब्रह्म वैवर्त पुराण में है कि श्री कृष्ण 16 वर्ष की अवस्था में मथुरा पहली बार गए तो कुब्जा के साथ सारी रात वेश्यावृत्ति किए। भागवत पुराण में है कि वो कुब्जा के पास गए और उसे मोक्ष मार्ग पर ले आए। दोनों पुराणों में मतभेद है, तो भागवत को वरीयता देंगे या उस ब्रह्म वैवर्त के लंपट उस पंडित को जिसने उसने प्रसिद्ध अंश जोड़ दिया। महाभारत में है कि महिकासुर का वध स्कंद कुमार ने किया, उसी महाभारत में है कि दुर्गा जी ने किया। इस पर कोई काम नहीं चल रहा है, आप लोग इस काम को कीजिए। पुराणों में जितनी गंदगी हमारे वाम मार्गियों ने जोड़ी है, जिसे आज वामपंथी प्रयोग में ला रहे हैं हमें गरियाने के लिए, उस पर संशोधन कीजिए कि कहां कहां प्रचित अंश है, कौन हमारा मूल पुराण है। वेद में कहा गया है आचरण कैसे करें, तो पुराण वक्त पुराण वेद में भी थे, और वेद में इक्ष्वाकु का है वर्णन, काशी के राजा दिवोदास का वर्णन है ऋग्वेद में, पंजाब के किसी गांव शहर का नाम नहीं है ऋग्वेद में, कहते हैं आज पंजाब से आए पश्चिम से आए। मिथिला के राजपुरोहित गौतम ऋषि का स्वराज स्तुति है, मिथिला राज के वो राजपुरोहित थे और वो इसी पूर्वांचल से गए थे मिथिला में। दिवोदास के पुत्र प्रतर्दन स्वयं एक ऋषि थे ऋग्वेद के 10वें मंडल में, जिसमें उनको काशी राज शब्द का प्रयोग है ऋग्वेद में, काशी शब्द आया है काशी के राज। तो ये काशी ऋग्वेद काल की है, और वो दिवोदास कौन थे, तो दशरथ जी की पत्नी सुमित्रा के छोटे भाई थे। तो वेद में इतिहास है या नहीं, वो एक बहस का दूसरा मुद्दा है। इस ढंग से हम सही तथ्यों को लाएं, गलत बातें जो साक्ष्य बनाकर दी जाती हैं उनसे लड़ें। वामपंथियों के औकात नहीं है, रोमिला थापर को संस्कृत नहीं आती है, उसके पीएचडी पर एक कोर्ट में केस ठोकिए ना, उसने कैसे कहा कि ये फलना का ये ऐसा अर्थ है संस्कृत साहित्य को प्रमाण बनाकर, जो अपना अर्थ जो दे रही हैं,
रामशरण शर्मा भाषा वैज्ञानिक बनकर उसमें फ्रेंच और जर्मन भाषाओं के शब्द का भी प्रयोग करते हैं अपनी पुस्तक में, किसी को उद्धृत नहीं करते हैं कि फलना भाषाविद का मत है, उन्होंने कब भाषा विज्ञान पढ़ा? ये सब पाखंडी चोर उचक्के सब हैं, मूर्ख सब हैं, इसलिए उनसे लड़ना कठिन नहीं है, केवल तरीका सही होनी चाहिए। कन्हैया कुमार की अपनी थीसिस फर्जी है, एक प्रतिबंधित मैगजीन में उसकी पीएचडी की थीसिस का वो सारांश छपा था जिसको उसको डिग्री मिली थी, उस पर हंगामा हुआ था, लेकिन वो सारे प्रोफेसर सब एक ही गिरोह के हैं जेएनयू में, दबा दिया बात को, उस मामले को कोर्ट में ले जाइए, चाहे सरकार से अपील कीजिए कि उसकी पहले थीसिस तो कैंसिल करवाइए, गलत थीसिस है। सोनिया गांधी के बारे में शोभन स्वामी ने लिख दिया कि वो मैट्रिक पास से झूठ कहती है कि हम कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़े। मैंने स्वामी जी को संदेश भेजा है कि जिस स्कूल से उसने मैट्रिक पास की है वहां केवल पांचवी तक पढ़ाई होती है, उस स्कूल का मैंने वेब लिंक भेज दिया, उसके गांव का वो कैथोलिक चर्च का मिशनरी स्कूल है, प्राइमरी स्कूल है, तब उन्होंने अपने पोस्ट को सुधारा। इस पर पब्लिक का केस क्यों नहीं ठोक रहे आप लोग, सीमा का ख्याल रखते हुए? इसलिए ये गोष्ठी सम्मेलन, मैंने गोविंद शर्मा से भी कहा था कि गोष्ठियों में मेरी रुचि नहीं है, हम नहीं आते हैं, नागेंद्र बाबू बैठे हैं, 10 साल पहले मैंने इनके सामने कहा था कि मैं गोष्ठियों में मैं अब नहीं जाऊंगा, कुछ नहीं होता है रिजल्ट, मुकदमा कीजिए, ये लोग साथ साथ अब गोष्ठी से नहीं सुधरेंगे, इनको अदालत में घसीटिए, प्रमाण मैं दूंगा, सारा भाषा विज्ञान झूठ का पुलिंदा है, मेरे पास 20 साल के सारे प्रमाण इकट्ठे करके रखे हुए हैं। मैक्स मुलर महामूर्ख था, उसके बारे में कहा जाता है कि लाइपजिग से डिग्री ली, लाइपजिग यूनिवर्सिटी का सार मैंने खगाला, कहीं उसका नाम नहीं है, उसने कभी पीएचडी नहीं की थी, वो ईस्ट इंडिया कंपनी का एक मामूली नौकर था, उसको मालिकों ने जो हुक्म दिया सो किया। इन सारे मूर्खों को हमारे ऊपर थोप दिया गया, रविन्द्रनाथ टैगोर मैट्रिक फेल, यूनिवर्सिटी खोल ले, महात्मा गांधी थर्ड डिवीजन, जवाहरलाल नेहरू थर्ड डिवीजन, सुभाष बसु टॉपर थे तो भगा दिया, इन सारे मूर्खों ने हमको मूर्ख बनाया है। तो इन कितने शर्म की बात है कि इस देश में कुछ मुट्ठी भर मूर्खों ने संविधान के साथ मजाक कर लिया, संविधान में गलत बात नहीं भी जोड़ पाए, फिर भी उसकी गलत व्याख्या करते हैं, पूरे देश को उल्लू बना रहे हैं, और बड़े बड़े विद्वान बुद्धिजीवी बैठकर यहाँ गोष्ठी करते हैं, उसके बाद फिर जाकर घर में सो जाते हैं, कुछ कर नहीं पाते हैं। इसलिए गोष्ठी भी कीजिए, लेकिन केवल गोष्ठी तोष्ठी से नहीं होगा, जो शाम से सुधर जाए वो सात्विक संस्कार का व्यक्ति होता है, उसके समझदारी में कुछ दोष हो उसे आप शाम से समझा सकते हैं, जो लोभी है राशि संस्कार का है उसे आप दाम से समझा सकते हैं, लेकिन जो दुष्ट है जानबूझकर बदमाशी करता है उसके लिए दंड खेत है, वो न शाम से सुधरेगा और न दाम से सुधरेगा। ये हमारी प्राचीन धर्मशास्त्र की नीति है, राम जी ने भी रावण को बहुत समझाया, भगवान कृष्ण जब आए तो वह पिछली बार तो हम दूध को भेजे थे रावण को समझाने के लिए, नहीं इस बार हम खुद जाते हैं, तो भगवान की बात भी नहीं सुना, तो समझाने से ये लोग नहीं सुधरते हैं। तो श्री कृष्ण को पता था कि वो नहीं मानेगा, लेकिन फिर भी अपना जो उनका मेथड है ये चारों साम दाम दंड भेद उसका प्रयोग नहीं करेंगे, सीधे दंडे से शुरू कर देंगे तो एक परंपरा खराब बन जाएगी भविष्य में, इसलिए वो अपना पूरा विधि का प्रयोग किए, लेकिन साम और धाम से काम नहीं चलेगा। डालमिया जी एक अच्छे सेठ बच गए थे, बाकी को तो अंग्रेजों ने मार दिया था, जो भी अच्छे सेठ हमारे देश में थे, डालमिया का काम नेहरू जी ने तमाम कर दिया। एक सेठ से मैंने हाल ही पूछा था, बनारस का ही एक मारवाड़ी सेठ है, मैंने कहा कि वित्तीय घोटाले में क्या आजीवन कारावास होता है, मरते दम तक जेल? तो बोले कि नहीं कुछ नहीं होता है, सारे सेठ घोटाला करते हैं, किसी को कुछ नहीं होता है, केवल डालमिया का होता है क्योंकि वो गोहत्या का विरोध किए थे। हमारे संविधान में लिखा हुआ है कि सरकार का दायित्व है कि दूध देने वाले पशु की हत्या पर पाबंदी लगाए, आप कोर्ट में केस कर सकते हैं कि सरकारी होटलों में तब गोमांस क्यों होता है, जब सरकार के लिए वो निर्देश है तो प्राइवेट बुचर खाने पर बाद में, पहले सरकारी होटलों पर तो आप केस कीजिए, मुकदमा कीजिए। मैंने पटना हाईकोर्ट में मुकदमा ठोका था, यहाँ ज्योतिष के विभाग अध्यक्ष जी बैठे हैं, इनको सब पता है कि दरभंगा में विभागाध्यक्ष पर मैंने मुकदमा किया था कि इनको ज्योतिष का सूत्र नहीं आता है, और वो किस हार गए थे, उनको हटना पड़ा था अपने पद से, जबकि एकेडमिक मामला कोर्ट नहीं लेती है सामान्यतः। इसलिए आप सब लोगों से आग्रह है मुकदमा कीजिए, सारा सबूत, कमी नहीं है सबूतों की, आपके पास भी है, मेरे पास भी बहुत सारे सबूत हैं, इसलिए गोष्ठी से आगे बढ़िए, अब लड़ने का समय है, हिंसा का सहारा मत लीजिए, और कमलेश तिवारी वाली गलती मत कीजिए, ऐसी भाषा का प्रयोग मत कीजिए कि आप पर कोई कार्रवाई हो, चाहे गैर कानूनी कार्रवाई हो या कानूनी कार्रवाई हो,
समझदारी से लड़ना है। कुरान शरीफ भी पढ़ाइए, उसमें क्या क्या महान बात सब है, काफिरों के साथ कैसा शांति वाला बर्ताव करना चाहिए, वो सब भी उसका अनुवाद पढ़ा दी, अपना मत मत दीजिए, जब उसका अनुवाद कर दीजिए कि मोहम्मद साहब जो है वो आयशा के साथ कैसे नमाज पढ़ते थे कपड़ा खोलकर, सब लिखा हुआ है। मैंने इंग्लैंड की किताब का फोटो कॉपी डाल दिया फेसबुक पर कि मेरा मत नहीं है, फलां लेखक ने ऐसा लिखा है कि वो ऐसे नमाज पढ़ते थे। बताइए लोगों को। और अब मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूं, अंत में केवल एक बात कहता हूं कि सलमान रशदी ने जो सैतानिक वर्ष पर लिख दिया, इतना हंगामा मचा, लेकिन वो तो मोहम्मद साहब को खुद सैतान ने बहकाया था, बाद में हटा दिया। वो कौन सी आयतें थी? तो दुर्गा देवी की सिंह पर सवार प्रतिमा, उसे काबा के बगल में छोड़, उसे तो मोहम्मद साहब ने तोड़ दिया, लेकिन उसी की कॉपी बहुत सारी मिली है 2000-3400 BC की, बगदाद में, इसराइल में, सबका फोटो मैंने फेसबुक पर डाल दिया है। तीनों जो हमारे महानतम देव हैं, त्रिलिंग हैं, उसका के तो एक महानतम एक ब्रह्म है, वो निराकार है, ईश्वर की मूर्ति नहीं होती है, ब्रह्म की मूर्ति नहीं होती है, इस मूर्त संसार में उनके तीन स्वरूप हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, वो कौ के तीन लिंग है, इसी को त्रि कलिंगाना कहा गया है मेगास्थनीज की इंडिका में। वो कलिंग उड़ीसा का एक छोटा सा राज्य नहीं था, उत्तर कलिंग, मध्य कलिंग, दक्षिण कलिंग, तीन कलिंग थे, जिसको अशोक ने नष्ट किया था, चाणक्य ने वो महासंघ बनाया था भारत की रक्षा के लिए, उस संघ को कलिंग संघ कहते थे। इंडिका पढ़िए फिर से, सारे प्रमाण है, हमारे व्यास जी झूठे थे तो कम से कम मेगास्थनीज को तो सही मानिए, तो प्रमाणों की कमी नहीं है, उठाइए और केस कीजिए, लड़िए, इन सबकी डिग्री कैंसिल करवाइए, सबूतों की कमी नहीं है, एक भी वामपंथी कम्युनिस्ट को संस्कृत नहीं आती है, एक आध को आती थी, टांगे को आती थी, 13 साल जेल में बंद थे, जरवादा जेल में, उन्होंने किताब लिखी थी इंडिया ट्रांजिशन फ्रॉम प्रिमिटिव कम्युनिज्म टू स्लेवरी, उसमें कई बड़ी बड़ी गलतियां थी, जिस पर कौसाम्बी भी वामपंथी, उन्होंने हमला किया था टांगे पर, टांगे गलती मान लिए थे, किंतु उसमें अच्छी बात भी थी कि हमारे 14 चक्रवर्ती सम्राटों ने यूरोप पर कब्जा किया था, ये डांगे ने लिखा था, वो भी तो कम्युनिस्ट थे, तो कम्युनिस्टों ने यदि कोई कहीं अच्छी बात लिखता है तो उसको हम दबा देते हैं, उसे नहीं मानते हैं। हमारा सदयुग साम्यवाद का युग था। मोदी जी ने हाल में ऋग्वेद की अंतिम मंडल की कुछ पढ़ी है कि हमारे मन समान हो, हमारे वाक समान हो, हम एक साथ मिलकर सब यज्ञ करें, यही तो साम्यवाद का दर्शन है। साम्यवाद ये तो नहीं कहता कि वर्ग संघर्ष करा दो, समाज में अमीर गरीब में खून खराबा करा दो, ये साम्यवाद नहीं है, वसुधैव कुटुंबकम है साम्यवाद, जो वास्तविक साम्यवाद है वो हमारे वेद में है, उसे सामने लाइए। इन कम्युनिस्टों में मार्क्सवाद नहीं है, मैं दावे से कहता हूं कि सीताराम येचुरी ने कभी दास कैपिटल नहीं पढ़ी है, और अभी जो डी राजा है वो तो और भी बड़े मूर्ख है, रोज केवल दारू मुर्गा खाते हैं। मैंने कम्युनिस्ट पार्टी एक नेता से शिकायत की थी, कहा कि उसका तो खानदानी पैसा, उसका बाप भी वही करता था, ये लोग न मार्क्सवादी हैं न कुछ अवसरवादी सब, इनको पाकिस्तान से पैसा आए तो उसका गीत गाएंगे, देश के टुकड़े करेंगे, इसलिए समझाने का समय गया, अब लड़ने का समय है। उठो पार्थ ब्रह्मो संभालो, कर दो सर संधान, गोरी गजनी हक्कानी का कर दो काम तमाम, अब उसका समय है, लेकिन धैर्य के साथ। तो इन विषयों का अंत नहीं है, लेकिन हम भाषण देते रहेंगे वो लोग हमारे देश को नष्ट कर देंगे उधर, इसलिए लड़ने का समय है, उठिए और उसके लिए योजनाबद्ध तरीके से धैर्य के साथ संगठन भी बढ़ाइए, संगठन की भी शक्ति का भी एक महत्व है समाज में, और आगे बढ़िए और आने वाली पीढ़ियों को भी सही बात सिखाइए, लड़ना भी सिखाइए। ब्रह्मास्त्र का मंत्र भी लुप्त नहीं हुआ है, यदि योग पात्र मिले तो उसे ब्रह्मास्त्र की भी शिक्षा दी जा सकती है, लेकिन वैसे पात्रों की कमी है। यही कहकर मैं अपनी बात को विराम देता हूं, यदि किसी को कोई प्रश्न यदि हो तो मैं उसके लिए तैयार हूं।